NH-32 की मरम्मत की मांग को लेकर आजसू ने किया धरना प्रदर्शन। अविलंब सड़क की मरम्मत कराई जाए, अन्यथा होगा चरणबद्ध आंदोलन। अब आगमन खतरे से खाली नहीं, वीडियो को दिया गया DC के नाम का मांग पत्र। कई जगहों पर NH-33 हुआ गड्ढे में तब्दील। ईंचागढ़ इलाके में मौलिक सुविधाओं का है अभाव। सर गौरव जी टाटा की जन्म शताब्दी पर इंट्रैक्शन प्रोग्राम आयोजित। इंडियन हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया पहुंची। ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट अविनाश भी पहुंचे। बच्चों व अभिभावकों से अपना अनुभव किया साझा। हॉकी के प्रति समर्पण व त्याग ने पहुंचाया ऊंचाइयों पर। दौड़ में नहीं थकने वाला अविनाश ने जीते कई गोल्ड मेडल। शहर में गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कार्य तेज। पूजा के नजदीक पहुँचते ही मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुड़े कारीगर। मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के भाव दोगुने। बरसात में मूर्तियों को सुखाने में पड़ता है ज्यादा खर्च व मेहनत भी। कोरोना काल में कारोबार हो गया था ठप, व्यवसाय पर पड़ा था बुरा असर। चलिए बात करते हैं NH-32 की मरम्मति की मांग को लेकर आजसू पार्टी द्वारा किए गए विशाल धरना प्रदर्शन की। चांडिल NH-32 के पिटकी से जांडी और चांडिल गोल चक्कर से बाजार के बीच रेलवे बाईपास सड़क के सुदृढ़ीकरण की मांग को लेकर शनिवार को निमडी प्रखंड के कुशपुतल गांव में आजसू पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वे लोग हाईवे की अविलंब मरम्मति की मांग कर रहे थे और इस मौके पर निमडी प्रखंड के BDO को DC के नाम का एक मांग पत्र भी सौंपा। बताते चले कि इस मौके पर आजसू के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि NH-32 झारखंड का एक महत्वपूर्ण सड़क है। कई राज्य को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति दयनीय हालत में है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और सड़क चौड़ीकरण में कार्यरत कंपनी अविलंब जर्जर सड़क का सुदृढ़ीकरण करे, अन्यथा आजसू पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। केंद्रीय सचिव रविशंकर मौर्य ने कहा कि जामडी गांव के पास रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज व बामनी जोड़िया में पुलिया निर्माण कार्य करने के कारण रूपमदी में जामडी तक पुराना सड़क गड्ढे में बदल गया है, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ईंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौलिक सुविधाओं का भी अभाव है। साथ ही जिला के उपायुक्त के नाम निमडी के BDO को सड़क मरम्मति के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा। इस अवसर पर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिन महतो, निमडी के जीप सदस्य असित सिंह पात्र, ग्राम प्रधान वैद्यनाथ महतो, अमूल्य महतो, लक्ष्मीकांत महतो, जिला सचिव अजय महतो, आजसू पार्टी के निमडी प्रखंड अध्यक्ष दिगम्बर सिंह सरदार, चांडिल प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गो, कार्तिक कालिंदी, राजाराम महतो, संदीप महतो, घनश्याम महतो, राजकिशोर महतो, आस्तिक दास, दिनेश महतो, अरुण महतो, आलोक आदि उपस्थित थे। NH-32 गोल चक्कर से लेकर आदाटी तक बहुत ही जर्जर अवस्था में, इसी जर्जर अवस्था को देखते हुए आज आजसू पार्टी निमडी प्रखंड के पुतल ग्राम में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया कि हम लोग जो रोड बहुत ही खराब है, इसको अविलंब मरम्मत किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज जा सके, यहाँ के ग्रामीण के साथ जो है चांडिल बाजार जा सके। इसके लिए हम लोग अभी सरकार से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इसको रिपेयर किया जाए। करके मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग आगे और आंदोलन करेंगे, जोर शोर आंदोलन करेंगे कि किसी भी हाल में रोड को बनाना है। इस बहुत जर्जर अवस्था में है और इससे काफ़ी निमडी प्रखंड और चांडिल प्रखंड के लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बातें जब यहाँ के ग्रामीणों ने हरिलाल महतो जी के पास पहुँचाई तो इन्होंने कहा कई स्तर से भी बातचीत को रखी थी, लेकिन उसके बावजूद जब मांगे नहीं मांगी गई तो आज इनके नेतृत्व में आज हम आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम लोग यहाँ बैठे हैं सड़क मरम्मति के लिए कि भाई अगर आप NH निर्माण हो रहा है तो उसके तौर पे वैकल्पिक रास्ता जो है कम से कम उसको भी तो आप एक रास्ता दें जिससे कि यहाँ के ग्रामीणों को सहूलियत हो सके। ना तो वैकल्पिक रास्ता का मरम्मत करना हुआ और ना ही जो मुख्य NH है वो तो अपने जर्जर अवस्था में है और 3-4 वर्षों से इस तरह से वो चल ही रहा है। तो इसी मांगों को लेकर के हम जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक सब हैं हरलाल महतो जी के नेतृत्व में बैठे हैं। का शिकायत जो करना है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना है, लेकिन हम लोग को जनप्रतिनिधि है नहीं, हम लोग आपको इस अखिलाफ है बहुत गड्ढे में तब्दील हो तो यहाँ के लोगों को भाई वैकल्पिकता भी कम से कम इस तरह से बनाया जाए यहाँ के लोग चांडिल और अनुमंडल तक अपने आसानी से जा सके।
आइए बात करते हैं सर दोरबजी जनसरी की। मौके पर शहर पहुंची भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया व नेशनल एथलीट अविनाश सबल के अनुभवों की। सर दोरबजी टाटा की जन्म शताब्दी के मौके पर शनिवार को जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल प्रोग्राम के तहत टाटा स्टील के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और इंडियन हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अविनाश सबल शहर पहुंचे। जीआरडी कॉम्प्लेक्स में आज दोनों प्रेस से रूबरू हुए। बताते चले कि सविता पुनिया व अविनाश सबल ने खेल से जुड़ने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अनुभव साझा किया। सविता पुनिया ने बताया कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हॉकी खेल सकती हैं। दादा के प्रभाव में आकर उसने हॉकी अकेडमी ज्वाइन किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। सविता बताती है कि जब वो हॉकी से जुड़ी तो उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि उसे ऊंचाइयों तक पहुंचना है और देश के लिए खेलना है। इसी जज्बे ने उसके अंदर एक उत्साह पैदा किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वहीं अविनाश सबल ने भी अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि बचपन से ही वे दौड़ में कभी थके नहीं। जहां वो बचपन में पढ़ते थे उस स्कूल की दूरी पर से करीब 3 किलोमीटर थी। वे दौड़कर स्कूल जाते व दौड़कर घर आया करते थे। अपने सहपाठियों व साथियों के बीच वो सबसे तेज व नहीं थकने वाला धावक था। वर्ष 2016 में वो भारतीय सेना में नौकरी पाने में सफल हो गए। सेना की ओर से ट्रैक एंड फील्ड में उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल जीते। उसने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी ट्रैक एंड फील्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मेरी जर्नी तो जैसे स्पोर्ट्स एथलीट दूसरों की रखी वैसी नहीं थी, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स के बारे में किसी भी स्पोर्ट के बारे में नहीं पता था। क्रिकेट का नाम मैंने सुना था और घर में वही देखा जाता था, तो वो भी मुझे ऐसे लगता था कि मैं तो शायद स्पोर्ट नहीं खेल सकती। शायद बोलते हैं कि डेस्टिनी में कुछ लिखा हो तो आपके सामने रास्ते आ जाते हैं। तो मेरे ही गाँव के एक टीचर आए थे और उन्होंने बोला कि महाराजा कृष्ण स्कूल शिक्षा में नर्सरी खुल रही है, वहाँ पर ट्राई देना चाहोगे? तो मैंने बहुत पापा से पूछा और मम्मी को, मेरे मम्मी को उस टाइम गठिया भाव हुआ था, तो वो टोटली बेड पे थे, तो बोला कि हाँ। पापा का मेन डिसीजन था कि हाँ मैं अपनी बेटी को भेजना चाहता हूँ, बट उससे भी ज़्यादा मम्मी का था कि उस सिचुएशन में बोला कि हाँ जा सकती हैं। फिर मैं अपने दादाजी के पास गई कि खुशी से कि मैं गाँव से शहर जा रही हूँ, मैं 6th क्लास में थी उस टाइम। तो दादाजी ने बोला कौन कौन सी गेम वहाँ पे है, तो मैंने बताया कि हॉकी, बैडमिंटन, इंडोर है। तो फिर उन्होंने बोला कि हॉकी खेल सकती है तुम? मैंने बोला मुझे हॉकी के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ से कि ठीक है, अगर मैं अपने दादाजी को बहुत मानती हूँ। नाम क्या है? रंजीत सिंह बोली आज नहीं है वो हमारे साथ, बट उनकी वजह से ही आज मैं हूँ या मेरे पूरे परिवार की वजह से। तो बस ये था, स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट रहती है क्योंकि आज जो फैसिलिटीज आज से 15 साल पहले वो चीज़ें नहीं थी, और ना वो इक्विपमेंट्स होते थे। जो कुछ भी इसको मैं गोलकीपर हूँ तो आज शायद मेरी ओवो फिट है जो कि सबसे लाइट वेट है, बट उस टाइम पर बहुत डिफरेंट फिट होती थी। बट मुझे ये था कि मुझे अपने फैमिली को, अपने कंट्री को, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया कि अब कुछ तो करना है मुझे, ऐसे ही नहीं है, कुछ अपनी फैमिली को, अपने दादाजी को प्राउड फील करवाना है। तो वो मेरा एक माइंड सेट था उस टाइम। पहले क्या होता था, जैसे कि ये सोचते थे कि हम एथलेटिक्स में जा रहे हैं तो हम सिर्फ ओलंपिक्स या किसी इवेंट में बस पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, लेकिन आज भी सभी गेम्स में मेडल आ रहे हैं। तो एथलेटिक्स में भी ऐसे लग रहा है कि हमारे क्यों मेडल नहीं आ रहे, जैसे हॉकी के मेडल्स आ रहे या और गेम्स के हमारे मेडल्स आ रहे। तो देखो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बढ़ी है, हर गेम्स पर फोकस बढ़ा रहे हैं। देखो अभी ऐसा कोई गेम नहीं कि जिस पर सिर्फ एक गेम पर फोकस हो रहा है। मुझे लगता है डेफिनेटली इस वजह से जैसे बाकी गेम जैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी वजह से एथलेटिक्स भी इम्प्रूव कर रहा है। फिर एक ये रास्ता बना दें, कोई भी एथलीट एक रास्ता बना दे कि जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि किसी भी गेम में अगर कोई एथलीट अच्छा करता है तो पीछे वाले एथलीट, मतलब ये है कि अच्छा। मतलब ये कोई खास नहीं था कि मैं दौड़ता था, मतलब ये था बचपन में मेरा कि बस मैं दौड़ते समय थकता नहीं था, बाकी मुझे स्पोर्ट्स के बारे में इतना पता नहीं था। बस मुझे कोई भी काम बता दे तो मैं सोचता था कि दौड़ के करना इजी है मेरे लिए, जैसे कोई चल के जाता है या कैसे जाता है, कोई साइकिल पे जाना चाहता था मैं सोचता था कि मैं तो दौड़ के चला जाऊंगा इतना डिस्टेंस तो। और फिर स्कूल में भी मुझे कभी कभी ये लगता था कि मैं जल्दी घर पहुंचना चाहिए स्कूल छूटने के बाद, तो मैं जैसे बाकी बच्चे पैदल आते थे मैं दौड़ के आता था। तीन किलोमीटर के आसपास होगा, तीन मतलब 6 किलोमीटर पड़ता था मैं, जैसे 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर होता था मेरा। तो मैं सोचता था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ क्योंकि मुझे खेलना होता था। मैं पढ़ाई तो इतनी नहीं करता था लेकिन
मेरा ये था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ और मुझे खेलना है कुछ ना कुछ। गांव में मतलब बहुत सारे गेम्स खेलते बचपन में, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में ऐसे सोचा नहीं। जूनियर लेवल में मैं कभी अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मैं जब आर्मी में गया तो आर्मी में जाने के बाद मैं 2016 में स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, 2017 में स्टीपल जिस इवेंट में आया, और 17 से लेके अब तक मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं कभी सोचा था कि मैं इवेंट जैसे में नेशनल लेवल में भी मेडल जीत सकता हूँ। बात करते हैं गणेश पूजा के नजदीक पहुँचते ही गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकारों की। आगामी गणेश पूजा 30 अगस्त को होने जा रहा है। हिंदी महीने के भादों में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर शहर के मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से मूर्तियों को सुखाने की समस्या थी, लेकिन अब सुखाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और पेंटिंग की जा रही है। बता दें चले कि मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगरों के समक्ष बारिश की वजह से मूर्तियों को सुखाए जाने की बड़ी समस्या थी, लेकिन कृत्रिम तरीके से हीटर अथवा अन्य विधि से उसे सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। सूखी मूर्तियों की पेंटिंग का काम चल रहा है। साक्षी कासेडी निवासी मूर्तिकार वासुदेव पॉल भी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि मूर्ति बनाने के दौरान कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। बरसात की वजह से मिट्टी दोगुने दाम पर खरीदनी होती है, उसमें भी अगर लगातार बारिश हुई तो इन प्रतिमाओं को सुखाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हीटर के अलावे अन्य कृत्रिम विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। वासुदेव पॉल का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 वर्षों से व्यापार की बहुत बुरी स्थिति है। इस बार उम्मीद है कि मूर्तियां बिकेंगी और कुछ आमदनी होगी। उन्होंने बताया कि इस बार सबसे महंगी मूर्ति ऑर्डर पर भरा घोड़ा के लिए उन्होंने बनाई है। आमतौर पर शहर में बिकने वाली छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। कई मूर्तियों का एडवांस भी उनके पास आया है। संभव है कि इस बार अच्छी खासी आमदनी होगी। ये पूछे जाने पर कि क्या वे आने वाली पीढ़ियों को इस पेशे से जोड़ने की सलाह देंगे, तो उनका जवाब था ये पेशा सुरक्षित नहीं है। कड़ी मेहनत के बावजूद आमदनी कम होती है। पर्व त्योहार के मौके पर ही मूर्तियों के ऑर्डर मिलते हैं। सालों भर इस पेशे में बहुत दम नहीं रहता। उनके बच्चे इस पेशे से अलग दूसरा काम धंधा करते हैं। कैसे बनाते बनाते तो मिट्टी से ही बनाते हैं, है ना। अब सुखाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पानी उनी होने से थोड़ा सुखाने में प्रॉब्लम होता है, और उसका सुखाने के लिए बंदोबस्त है, लेकिन खर्चा बहुत गिर जाता है ना। कैसे सुखाते हैं? वो हीटर है, समझे, ब्लू लैंप है ना, बहुत गैस से भी सुखाते हैं। बारिश के कारण मिट्टी कहाँ से मिल जाता है? बारिश का पहले हम लोग मिट्टी का जुगाड़ कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि बरसात जब शुरू हो जाएगा तो मिट्टी हम लोग का मिलना मुश्किल हो जाएगा, उसका लिए स्टॉक पहले से कर लेते हैं ना। तो अभी मिट्टी का कीमत कैसा होता है? मिट्टी का देखिए, अभी जो पहले जो गिराए थे हम लोग, है ना, मई जून में, है ना, तो उसका रेट था लाख, अभी डबल हो गया, मिलता ही नहीं है मिट्टी, है ना। कैसे खेती से मिट्टी उट्टी आता ना, तो खेती में गाड़ी घुसता नहीं, कैसे मिट्टी आएगा? ये तो भगवान करे, ये काम तो कोई हम लोग का जो है घर का कोई काम करने ही नहीं खोजते हैं बाल बच्चा लोगों, क्योंकि मेरा 2 बेटा है ना। हाँ, तो बेटा को तभी उन लोग इसमें घिरा हुआ है, इसके बाद में उन लोग का जो बेटा है काय करेगा, इतना मेहनत कहाँ कारीगर कहाँ लेबर कहाँ फलाना खोज खोज के, है ना, लाओ, है ना, इतना मेहनत और मौसम ऐसा रहेगा गड़बड़ाएगा, एक तो रिक्स हो जाता ना, है ना। इसके लिए ये सब काम कोई करने नहीं मांगता, है ना, तो क्या करेगा, मजबूरी में अभी करने पड़ता थोड़ा से, है ना। हाँ, सरकार की तरफ से कोई ऐसा आप लोगों को? सरकार तो हम लोग का कोई ध्यान ही नहीं देता इस पर, है ना। हाँ, सरकार थोड़ा हम लोग का थोड़ा हेल्प करता तो बहुत ही काम हो जाता। आइए बात करते हैं आदित्यपुर न्यू कॉलोनी स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की। आदित्यपुर के न्यू कॉलोनी स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शुक्रवार को अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह उर्फ बॉबी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्गम संस्था के संरक्षक और बॉबी सिंह की पत्नी सोनिया सिंह भी शामिल हुई। अभिभावक संगोष्ठी में स्कूल के कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के अभिभावकों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी मेयर अमित सिंह ने बताया कि सरकारी स्कूल में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार मिल सकता है। ये काम इस स्कूल की प्राचार्य संध्या प्रधान ने कर दिखाया है। 2 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद संध्या प्रधान ने इस स्कूल को बुलंदी पर पहुंचाया है। इसका परिणाम है कि न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय आज शहर के निजी स्कूलों को टक्कर दे रहा है। यहाँ बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार जगाया जा रहा है। डिप्टी मेयर ने कहा कि मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया, इसके लिए स्कूल प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया है कि वे अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें। आजकल बच्चे ब्राउन शुगर जैसे घातक नशे का शिकार हो रहे हैं। अभिभावक बच्चों पर ध्यान देकर उन्हें नशे के दलदल में फंसने से बचा सकते हैं। विशिष्ट अतिथि सोनिया सिंह ने कहा कि सरकारी स्कूलों में समाज के अंतिम तबके के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये बच्चे राष्ट्रपति से सम्मानित स्कूल की प्राचार्य संध्या प्रधान के नेतृत्व में बेहतर शिक्षा ले रहे हैं। कार्यक्रम के उपरांत बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर सोनिया सिंह और अमित सिंह ने मिड डे मील ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य संध्या प्रधान ने किया। इस दौरान पार्षद नथुनी सिंह भी उपस्थित थे। पढ़ाई में बच्चों को टाइम नहीं देने सक रहे हैं, आधार कार्ड बनाने में समय गुजर जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रतिमंडल स्कूल का ही बना के हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि कम से कम इन लोगों को मुक्त किया जाए। और बहुत शैक्षणिक स्कूल है और इससे भी और सोर्सेज है सरकार के पास, उन लोग को यूज करें आधार कार्ड बनाने में। और कोशिश में ये भी रहेगा कि नगर निगम में ही एक आधार कार्ड का ये हो जाए, जो कि इनको भी सुविधा होगी, पार्ट टाइम में जाके वहाँ पे भी अपना काम देख सके। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इस स्कूल की गरिमा को संध्या मैडम ने जिस तरह से पढ़ाया है, आज हम लोग सफाई में चुन के जाना इस स्कूल का अपने आप में बहुत बड़ा बात है। राष्ट्रीय स्तर पे यदि ये स्कूल का नाम जा रहा है तो ये इनका गौरव का बात नहीं है, पूरे आदित्यपुर वासियों का गौरव का बात है, हमारे नगर निगम की गौरव की बात है। तो फिर से मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज कितना अच्छा एक लग रहा है कि स्कूल से जब घुसे हैं तो प्राइवेट स्कूल में क्या सफाई रहता है और सरकारी स्कूल में क्या सफाई रहता है। हमको लगता है सरकारी स्कूल 20 पढ़ गया, प्राइवेट स्कूल 19 पढ़ गया। सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं भी अपना तिरंगा लहरा सकते हैं, वो किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से कम नहीं है। और इस उसी दिन मैंने ये जाना क्योंकि बच्चों का जोश देखने लायक था। हर चीज में सरकारी स्कूल के बच्चे एक्टिव हैं। संध्या मैडम को किसी पहचान की वो मोहताज नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्कूल की शुरुआत की थी तो 550 बच्चे थे, आज यहाँ 1200 बच्चे हैं। हम जब यहाँ गाड़ी अपना एंट्रेंस किए तभी हमने देखा कि बच्चों ने गेट खोला। मेरे खुद के बच्चे डीएवी बिष्टुपुर में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वेल डिसिप्लिन्ड और मैंने कहीं भी स्कूल के बच्चे नहीं देखे। आवाज नहीं, बच्चों में शांति, स्कूल में प्लांटेशन। और जैसा इन्होंने अभी बताया कि जितनी भी चित्रकारी है और जितना भी यहाँ पेंटिंग किया गया है खुद बच्चों के द्वारा किया गया है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं कपाली में 2 युवकों के बीच विवाद में बीच बचाव करने का युवक पर चाकू से हुए हमले की। मानगो से सटे कपाली के अली नगर में गर्लफ्रेंड के विवाद में शुक्रवार की शाम 2 युवकों के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने का निहालुद्दीन नामक युवक पर चाकू से हमला किया गया। चाकू से हुए कई हमले में निहालुद्दीन गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी चिकित्सा एमजीएम अस्पताल में चल रही है। बताते चले कि मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि उसका छोटा भाई निहालुद्दीन आदित्यपुर की एक दुकान में वेल्डिंग का काम करता है। शुक्रवार को छुट्टी होने की वजह से वो काम पर नहीं गया था। शाम को निहालुद्दीन अंसारी अपने दोस्त अरबाज के साथ अलीनगर गया। वहीं आशिफ नाम का एक युवक भी आया। अरबाज की गर्लफ्रेंड को आशिफ ने कुछ कह दिया था। अरबाज ने आशिफ से पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। अरबाज ने उसे बताया कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं कहा है। अरबाज ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाया तो उसने अरबाज का ही नाम लिया। इसी बात को लेकर आशिफ से उसका विवाद होने लगा। इसके बाद आशिफ ने अरबाज पर चाकू चलाया। तभी निहालुद्दीन बीच में आ गया और बोला कि झगड़ा मत करो। इस बात से नाराज आसिफ ने निहालुद्दीन पर ही चाकू चलाना शुरू कर दिया और उस पर चाकू के कई वार किए। इस बीच अरबाज वहां से भाग निकला, फिर आसिफ भी वहां से निकल गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने निहालुद्दीन को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। घटना हुआ अली नगर में
टाइम वही आपका 5:30 कुछ करीब 1 बज रहा था। हम ये थे मेरे गर्लफ्रेंड के पास, वो फ़ोन की मेरे को, हम उससे बात किए तो मेरे को बोली कि आशीष मेरे को ऐसा बोला कि आप मेरे को धोखा दे रहे हो। तो हम बोले नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोले ठीक है हम आशीष से पूछेंगे। तो हम बोले ठीक है। तो उसके बाद हम आशीष के पास गए, हम बोले आशीष भाई तुम ऐसा कुछ बोला है क्या? तो बोला नहीं हम ऐसा कुछ नहीं बोले। तो हमें ठीक है भाई थोड़ी हटाइए, जो मजाक करते हैं ऐसा करते हैं, हमें बयान दे दिए उसको। तो उसके बाद हम चल गए अपने अड्डे पे, मतलब अपने घर जा रहे थे। तो उधर से उसी ने मेरे को फ़ोन किया, बोले कहाँ जा रहे हो? हमें घर जा रहे, बता तुम दुकान आ तो तुमसे बात करना। तो हम उसके पास गए दुकान, ये मेरे को आशीष बुलाया दुकान, जो चाकू मारा वो मेरे को दुकान बुलाया। तो हम उसके पास गए, तो जाने बाद मेरे साथ निहाल जो घायल है वो भी गया। जाने के बाद उससे मैं उससे बात कर रहा था तो उसी में वो गाली गुप्ता करने लगा। तो निहाल बोला भाई तरीका से बात करना, गाली गुप्ता कहे कर रहा है, कुछ बात हुआ नहीं, फुगटिया गाली गुप्ता कर रहा। उसी में वो क्या किया, चाकू निकाला और निहाल के ऊपर चलाते गया। फिर उसके बाद वो चाकू ऊपर, हाथ ऊपर करके चाकू ऐसे उघमाया, बोलता मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमको पाली थाना को दिखाई दे, अब मेरे को कुछ भी होगा मेरे को बाबा रथ मेरे को बचा लेगा। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज खान है। आदि भाई का लड़का आसिफ नाम है उसका, ओपन चाकू मारा है, ठीक है। अब क्या बोला हो, बाबा रथ का मेरा सपोर्ट है, हम ओपन गोली मार देंगे, कुछ भी बात नहीं था, आपस में भैसा भैसी हो रहा था। हम बोले बाबू गाली को समझ कर ओपन मारना स्टार्ट कर दिया, क्या पता क्या दुश्मनी था क्या क्या था, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर दिया, न बात न चीत कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ओपन मारना स्टार्ट कर दिया। आदिक भाई का दुकान का पास मली नगर का पाली आसिफ, आदिक भाई का बड़ा लड़का। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।